नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बापट, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज फाल्गुन कृष्ण द्वितीया यानि तुकाराम बीज। हम सब मराठी लोग महाराष्ट्र में और वारकरी संप्रदाय के लोग और दूसरे भी लोग जो संत तुकाराम महाराज जी के भक्त हैं, उनकी ये धारणा है, हम ये मानते हैं कि आज ही के दिन संत तुकाराम महाराज जी कीर्तन गाते हुए, कीर्तन करते हुए इहलोक से परलोक सिधार गए थे, वैकुंठ में चले गए थे। तो ये दिन तुकाराम बीज नाम से मनाया जाता है। तो इस दिन के लिए मैंने ये अभंग जो चुना है वो उनकी ये जो यात्रा है इहलोक से लेके परलोक तक, वो जो समय है जब संत तुकाराम महाराज जी अपने प्रियजनों से कह रहे थे कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, उस समय का ये अभंग है। दोस्तों, ये अभंग है आम्ही जातो आपुल्या गावा। यह अभंग महाराष्ट्र में आज भी बहुत लोकप्रिय है। बड़े बड़े गायकों ने इस अभंग को गाया है और ये पंक्ति जो है आम्ही जातो आपुल्या गावा, ये पंक्ति अब एक वाक् प्रचार बन गई है, एक मुहावरा जैसे बन गया है कि कोई अगर परलोक सिधार रहा हो तो उसके बारे में ये पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए संत तुकाराम महाराज जी के चरणों में ये हिंदी अनुवाद और भावार्थ इस अभंग का मैं सादर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले है ये अभंग जो है वो मैं पूरा पढ़ूंगा और उसके बाद हर एक पंक्ति का अनुवाद और भावार्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये अभंग, आम्ही जातो आपुल्या गावा। आम्ही जातो आपुल्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा। तुमची आमची भेची भेटी, येथून या जन्म तुटी। आता असो द्यावी दया, तुमचा लागत असे पाया। येता निजधामी कोणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी। रामकृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला। आम्ही जातो आपुल्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा। चल आइए दोस्तों, ये अभंग जो है इसका भावार्थ और अनुवाद समझने की हम कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। भावार्थ और अनुवाद सुनाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस मनुष्य को अपना अंत समय दिख रहा हो, जिस मनुष्य को अब ये समझ आ गया हो कि अपनी अंतिम यात्रा करने का समय वो निकट आ गया है, तब उसके लिए ये इहलोक जो है, ये पृथ्वी जो है, ये जग जिसे कहते हैं हम, वो बन जाता है दूसरे का गांव। क्योंकि जहाँ से हम सब प्राणी जो है, जहाँ से हमारी व्युत्पत्ति हुई है, वो है परमेश्वर का धाम, वो है परमेश्वर का गांव। तो वहाँ पे जाने की यात्रा अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ये पहली पंक्ति जो है उसकी शुरुआत होती है कि आम्ही जातो आपुल्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा। इसका सीधा सीधा अनुवाद यह है कि आम्ही जातो आपुल्या गावा, आम्ही यानि हम, जातो यानि जा रहा हूँ, आपुल्या यानि हमारे, गावा यानि गांव। तो हम अपने गांव जा रहे हैं। आमुचा राम राम घ्यावा, आमुचा यानि हमारा, राम राम घ्यावा। राम राम घ्यावा ये एक वाक् प्रचार है जो पहले की दिनों में, पुराने समय में, जब भी दो मराठी लोग आपस में मिलते थे, मेरे हिसाब से ये उत्तर भारत में भी इसका प्रचलन था, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में तो ये प्रचलित था ही कि जब कोई दो आदमी एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे से, जैसे आजकल हम हाय हेलो टाटा बाय बाय कहते हैं, वैसे उस समय में वे दो लोग एक दूसरे को राम राम कहते थे। अगर आप एक दूसरे को मिल भी रहे हो तो कहते हैं कि राम राम। अगर मुझे कोई राह में, बीच सड़क पर अगर मिल गया तो उस समय में कहते थे राम राम रोहित जी। तो ये एक प्रचलन था उस समय में। देखिए ये कितना सुंदर प्रचलन था जो आजकल हम भूल गए हैं, या फिर उसे कहने में हम संकोच करते हैं, लज्जित होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए,
ये परंपरा जो है वो वैसी ही रहनी चाहिए। अगर आपको कोई बीच में मिल जाए, अगर आपको आप किसी से मिल गए, तो उनसे बस कहिएगा कि राम राम, कैसे हैं आप। और उसी समय जैसे मिलने के समय राम राम कहते थे, वैसे ही अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, जैसे आपके घर से बाहर जा रहा है, अपने घर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो तब भी वे राम राम कहते थे। यानी अगर कोई मिल गया तब भी राम राम, अगर कोई दूर जा रहा है तब भी राम राम। तो ये जो राम राम घ्यावा, घ्यावा यानि ले लीजिए, लीजिए या फिर उसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्सेप्ट कीजिए, तो उसे स्वीकार कीजिए। तो अमुचा राम राम घ्यावा, हमारा राम राम जो है उसे स्वीकार कीजिए, अब हम जा रहे हैं, हमें विदा कीजिए, हमारा जाना जो है वो स्वीकार कीजिए, हम अपने गांव जा रहे हैं। तो ये अपना गांव जो है, ये गांव का मतलब है परमेश्वर का धाम, परलोक जाने का समय आ गया, ये हमारा गांव अब नहीं रहा, वो हमारा गांव है। तो हम अपने गांव में जाने की अनुमति दीजिए, ये हमारा राम राम स्वीकार कीजिए। दूसरी पंक्ति क्या है कि तुमची आमची हेची भेटी येथुनिया जन्म तुटी। तुमची यानि आपकी, आमची यानि हमारी, हेची भेटी, हेची मतलब यही, भेटी यानि यही हमारी गांठ भेंट जिसे हम कहते हैं, ये वो भेटी है, ये शब्द वो है, जैसे गांठ भेंट हम कहते हैं किसी को मिलना। तो आपकी हमारी यही है भेंट। येथुनिया जन्म तुटी, येथुनिया का मतलब है यहाँ से अब, जन्म तुटी, जन्म तुटी यानि जन्म जन्मांतर का अंतर, टूट, टूटना जो है वो टूटना शब्द ही यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है। हिंदी और मराठी में बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, वही से है ये टूटना जो है, वो टूटी जो है वो टूटना से संबंधित है। तो जन्म तुटी का मतलब यह है कि इस जन्म में जो हमारा संबंध था वो अब टूटने जा रहा है। तो तुकाराम महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब हम अपने गांव जा रहे हैं, हमारा राम राम स्वीकार कीजिए, बस यही तक अपनी गांठ भेंट थी, यही तक हमारा संबंध था, यही तक हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। तुमची आमची हेची भेटी, यही जो हम समय एक दूसरे के साथ हमने बिताया, बस यही भेंट थी हमारी, अब इससे आगे जन्म का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि हम तो परलोक जा रहे हैं, हम अपने गांव जा रहे हैं। ये थुनिया, यहाँ से अब वो हम एक साथ नहीं रह पाएंगे, यहाँ से हमारी गांठ भेंट अब नहीं होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं। तो यहाँ से ये जन्म का बंधन जो था वो टूट गया, वो टूटने जा रहा है। तो संत तुकाराम महाराज जी, देखिए ये आप कल्पना कीजिए कि उनके भक्त जो हैं वो उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन संत तुकाराम महाराज जी को अपना अंत समय दिख रहा है। उन भक्तों की मानसिक अवस्था क्या हो गई होगी, वो उसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि आप जिन्हें गुरु मानते हैं वे कह रहे हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया, अब इस जन्म में आपसे भेंट नहीं होगी, ये जन्म का बंधन जो है वो टूटने जा रहा है, ये जन्म अब टूटने जा रहा है, बस यही तक हमारा समय जो था वो एक साथ बीत गया, हमारी यात्रा जो है बस यही तक होती है, ये थुनिया जन्म टूटी, यहाँ से अब ये बंधन टूट जाएगा। मुझे कभी कभी बहुत उदास लगता है कि उनके भक्तों की क्या मानसिक अवस्था हो गई होगी, कि जब गुरु जी खुद कह रहे हैं कि मेरे जाने का समय आ गया, अब हमारा राम राम लीजिए। हम तो मनुष्य हैं, ये तो संत महात्मे थे, महान पुरुष थे, मगर हम तो साधारण प्राणी हैं, साधारण मनुष्य हैं, तो ये दुख हम समझ सकते हैं कि कैसे छोड़े अपने गुरु को। ठीक है, तो आगे की पंक्ति हम देखेंगे। आता असो दयावी दया तुमचा लागत असे पाया। आता असो दयावी दया, इसका सीधा सीधा अनुवाद है आता यानि अब, असो दयावी यानि रहने दीजिए दया,
अब रहने दीजिए या फिर मुझ पर कीजिए, ये भी आप उसका अनुवाद कर सकते हैं, ले सकते हैं कि अब आता असो देवी दया, अब मुझ पर दया कीजिए। तुमचा लागत से पाया, तुमचा यानि आपके, लागत से पाया यानि पैर पड़ रहा हूँ। इतने बड़े संत अपने प्रियजनों को, अपने भक्तों को, समाज को, सबको, लोगों को जो उनके पीछे 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 चल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अब मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्यों? अमिजातो आमुचा गावा, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे जाने दीजिए, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। अब इसका और एक जो भावार्थ जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मराठी जो है वो इतनी सीधी और आसान भाषा नहीं है, इसमें बहुत सारे संदर्भ होते हैं, उसमें अध्यात्म भी है, आध्यात्मिक संदर्भ भी है, सांस्कृतिक संदर्भ भी है, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी है। तो आध्यात्मिक संदर्भ इसका ये है कि आता असो द्यावी दया, तुमचा लागत से पाया, अब मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। वैसे तो ये सुनने में अजीब लगता है कि संत हमें कह रहे हैं, मनुष्य प्राणियों को कह रहे हैं कि मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, पर ये क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन संस्कृति में मोह जो है वो आपके मोक्ष में आड़े आता है, मोह जो है वो आपके मोक्ष में आड़े आता है। जीने का मोह जो है, जन्म का मोह जो है, वो आपके आड़े आता है। इस दुनिया की जो मोह माया है वो आपके मोक्ष के आड़े आते हैं। तो इसलिए तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि अब मुझे इस मोह में मत डालो, मैं इस मोह से मुक्त होना चाहता हूँ, ना मुझे इस संसार से कुछ मोह है, ना मैं संसार से कुछ चाहता हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस मोह माया से मुक्त होने दो, मुझे अब जाना है, अपने गांव जाना है, मुझे जाने दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे इतना प्रेम लगाव ना कीजिए कि मैं भी आपसे प्रेम और लगाव इतना ज़्यादा करने लगूं कि मुझे जीने की और इच्छा हो जाए और उस मोह में मैं फंस जाऊं, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे जाने दीजिए। बहुत ही भावुक पंक्ति है ये, बहुत भावुक पंक्ति है। आगे की पंक्ति है, येता निजधामी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी। येता निजधामी कोणी, येता यानी अगर कोई आ रहा हो, तो ये इसका अनुवाद है कि येता अगर कोई आ रहा हो। निजधामी कोणी, निजधाम तो आप भी जानते हो, परमेश्वर का घर जो है, तो वो निजधाम। तो येता निजधामी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी। अब ये है कि अगर कोई निजधाम जा रहा हो, तो ये एक संदेश है तो संत तुकाराम महाराज जी अपने भक्तों को, सारे लोगों को दे रहे हैं कि अगर कोई निजधाम सिधार रहा हो, अगर किसी का अंत समय आ गया हो, अगर वो वहाँ पे जा रहा हो, तो और कुछ ना बोलिए, अपने मुख से, अपने वाणी से बस विठ्ठल विठ्ठल का उच्चारण कीजिए। येता निजधामी कोणी, अगर कोई निजधाम सिधार रहा हो, तो विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, बोला यानी बोलिए, वाणी में अपने विठ्ठल विठ्ठल रखिए और कुछ न बोलिए। इसका पहली पंक्ति से मैं थोड़ा संदर्भ लूँगा कि जैसे वे कह रहे हैं कि मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझसे इतना लगाव न कीजिए, मुझसे और कुछ न बोलिए, मुझे बस जाने दीजिए, क्योंकि अगर और कुछ बोलने लगे तो मुझे, मैं उस प्रेम के मोह में, उस माया में फंस जाऊंगा जो मुझे नहीं करना है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे मेरे परमेश्वर बुला रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। येता निजधामी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, और कुछ ना बोले, ऐसे विठ्ठल विठ्ठल का नाम लीजिए, विठ्ठल विठ्ठल का नाम लेके आपके जो मोह माया से आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपनी अगली यात्रा में आप आसानी से जा सकेंगे।
तो ये अपने भक्तों को उपदेश कर रहे हैं। अब आखिरी पंक्ति जो है कि रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला, जैसे अब कह रहे हैं कि विट्ठल विट्ठल बोलिए, अब इस पंक्ति में वे कह रहे हैं कि रामकृष्ण मुखी बोला, रामकृष्ण और रामकृष्ण का जप जो है मुखी बोला, मुख से रामकृष्ण बोलिए तुका जातो वैकुंठाला। तुका यानी संत तुकाराम महाराज जी, जैसे हिंदी में आप जानते हैं कि कहे कबीरा, तो वैसे ही तुकाराम महाराज जी खुद को तुका कह के संबोधते थे अपने अभंग में। तो मुख से राम कृष्ण बोलिए, मुख से राम कृष्ण विष्णु का नाम जपनाम कीजिए, क्योंकि संत तुकाराम महाराज जी हरिदास थे, हरि के दास थे, विष्णु भक्त थे। तो इसलिए राम कृष्ण बोलिए, राम कृष्ण बोलिए, विट्ठल बोलिए, विट्ठल बोलिए, परमेश्वर का नाम स्मरण कीजिए, परमेश्वर के नाम का उच्चारण कीजिए और कुछ न बोलिए, और मुझसे कुछ न बोलिए और कुछ न करिए, बस ये नाम जपते रहिए। तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला, इसका अनुवाद ये है सीधा सीधा कि तुकाराम महाराज अब वैकुंठ जा रहे हैं। तो जैसे कि ये हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी मृत्युशैया पे हो या फिर अपना आखिरी समय सामने हो, तो जैसे हमसे विदा लेते हैं, वैसे संत तुकाराम महाराज जी समाज से, लोगों से विदा ले रहे हैं कि रामकृष्ण मुखी बोलिए और कुछ न कीजिए, आपके सारे पापों का निवारण हो जाएगा, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, और कुछ न कीजिए। तुका जातो वैकुंठला, अब मुझे जितना भी करना था, मुझे जो भी करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे जाने दीजिए, अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। और एक तो यह है कि हमारे लिए ये दुखद घटना है, हमारे लिए ये उदास करने वाली घटना है कि ये संत महात्मा जो है वे जा रहे हैं, उनका अंत समय आ गया, लेकिन उनके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आपको सीधा वैकुंठ में स्थान मिल रहा है। एक विष्णु भक्त को वैकुंठ से बढ़कर क्या चाहिए, और जो उन्हें मिल रहा है वे वैकुंठ जा रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि अब मैं वैकुंठ सिधारने वाला हूँ, तो वे तो कहेंगे ही कि मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए, इस मोह माया में मुझे मत अटकाइए। तो दोस्तों, ये था अमीजातो अपुल्या गावा, इस तुकाराम महाराज जी के बहुत ही करुणा से भरे, भक्ति से भरे अभंग का हिंदी अनुवाद और भावार्थ। दोस्तों, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरे उच्चारण में या फिर शब्दों में अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, भावार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि इन महान संतों के जो विचार हैं, उनका जो उपदेश है और उनका जो वाङ्मय है, साहित्य है, वो सिर्फ मराठी तक सीमित न रहे, और भी लोग जो मराठी नहीं समझते उन्हें भी इस अमृत का लाभ मिले। तो दोस्तों, अगर ये अनुवाद और भावार्थ आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप और कोई किसी अभंग का या फिर मराठी भक्ति गीत का अनुवाद और भावार्थ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी है, वो भी आप देख सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, इससे मुझसे आपसे जुड़ने में ज़्यादा आसानी होगी और मैं और भी अच्छे से प्रयास कर सकूँगा। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर से एक बार संत तुकाराम महाराज जी के चरणों में इस वीडियो को, इस भावार्थ को समर्पित करता हूँ और आप सभी को तुकाराम बीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।